नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हमारा राजस्थान न्यूज। श्री गंगानगर में बहने वाली गंग नहर, जिसमें गंगा जैसा पवित्र पानी बहता था, लेकिन अब इस नहर में गंदा पानी बह रहा है जो जानलेवा है। इस पानी के पीने से अनेक रोग हो रहे हैं। इस नहर में पंजाब और शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों का काला बदबूदार प्रदूषित पानी आ रहा है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। गंग नहर में पंजाब के जालंधर व लुधियाना सहित 6 जिलों व 25 शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में एनजीटी के आदेश थे, करें वह प्रदूषित पानी को ट्रीट कर राजस्थान की नहरों में छोड़ा जाए, लेकिन पंजाब ने इस पर मनमानी कर ट्रीटमेंट प्लांट एक बार फिर बंद कर दिए और नतीजा हमारी नहरों में देखने को मिल रहा है। ये दिनों गंगानगर व भाखड़ा की नहरों में भयंकर बदबूदार व काला प्रदूषित पानी आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि काले पानी की यह आवक 15 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन इस पर न तो सरकार ने कोई कदम उठाया है और न ही प्रशासन ने। क्षेत्र के किसान संगठनों ने कई बार इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन वो बाहरी सरकार को सुनाई न दी। दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर इस दूषित पानी की विस्तृत उल्टी, दस्त सहित लीवर तक के हो रहे हैं रोग। पहले भी हो चुके अमोनिया व्यापारे की पुष्टि। पंजाब से आ रहे जहर के पारे कैल्शियम फ्लोराइड बीटा एंडोसल्फास सेलिनियम जैसे घातक तत्व पानी में आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि क्षेत्र में पेयजल में उपयोग हो रहा है नहर में जहर। देखिए ये रिपोर्ट। देश की भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे करती है मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की, लेकिन हकीकत यह है कि वो पीने के लिए जनता को ऐसा पानी दे पा रही है, तो क्या फायदा इन बड़े बड़े वादों का, और वो भी उस राज्य को जिसने भाजपा को 200 में से 167 के करीब विधायक दिए हैं, वो भी उस समय जब चुनावी साल है, यानी इसी साल चुनाव होने हैं। तो आप सोचिए इस साल ये पीने के पानी की जो ऐसी व्यवस्था मिल रही है, तो 4 सालों में कितना खून सरकार ने इस जनता का। सीएम की जीवनदायिनी गंगनहर है और इस गंगनहर के अंदर करीबन 2200 से 2500 क्यूसेक पानी गंगानगर जिले के लिए पेयजल के लिए है, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए है। इस पानी के अंदर पिछले 15 दिनों से सतलज दरिया के किनारे पर बसी हुई फैक्ट्रियां, चाहे वो चमड़े की फैक्ट्रियां हो चाहे केमिकल की फैक्ट्रियां हो, उन फैक्ट्रियों के अंदर से निकलने वाला गंदा पानी बुड्ढे नाले के मार्फत सतलज दरिया में गिरता है और सतलज दरिया से नहरों के अंदर आता है। पिछले 15 दिनों से गंदा पानी इतनी मात्रा में आ रहा है कि पूरे गंगानगर जिले के अंदर कैंसर जैसी बीमारी फैलने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हमने सन 2011 के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा और किसान जथेबंदियों ने मिलकर पंजाब के अंदर वहां जलंधर के अंदर जो बूढ़ा नाला था उसको बंद करने का काम किया था। बलवीर सिंह सिंचेवाल उस आंदोलन के नेतृत्वकारी नेता थे और आज तक वो मुद्दे को गौण किया गया है। राजस्थान केनाल के बहुत से काश्तकारों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनजीटी कोर्ट के अंदर मुकदमा तक दर्ज किया है, लेकिन सरकार की इस पर कोई ध्यान नहीं है। न्यायपालिका इसको और ध्यान नहीं दे रही है। पूर्ण तरीके से गंगानगर जिला ही नहीं, राजस्थान के करीबन 6-7 जिले इस पानी गंदे पानी की वजह से कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। पीबीएम हॉस्पिटल जो कैंसर के नाम से जाना जाता है, वहां मरीजों का जीवनदायिनी गंगनहर है और इस गंगनहर के अंदर सतलज दरिया के मार्फत पंजाब के बड़े बड़े उद्योग धंधों, चाहे वो चमड़े का चाहे केमिकल का कारखाना हो, वहां से गंदा पानी करीबन 10 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जिसमें पारा, जत्ता, सीसा, तमाम तरीके के वो हानिकारक पदार्थ इन नहर के माध्यम से हमारे आते हैं। 500 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिसके अंदर 500 से आधा पानी है जो उस पानी के अंदर पूरा का पूरा गंदा पानी उन चमड़ा फैक्ट्रियों से, केमिकल फैक्ट्रियों से आ रहा है। निश्चित तौर पे गंगानगर जिले के अंदर एक बीमारी की बहुत बड़ी आशंका पिछले 15 दिनों से बनी हुई है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लगातार लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि जो सतलज के किनारे पर जलंधर के साइड के अंदर जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वे बड़े बड़े रसूखदारों की फैक्ट्रियां हैं जिन पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसको बंद करने के लिए लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें इस नहर के अंदर करीबन 2200 से लेकर 2500 क्यूसेक पानी चलता है और इस पानी के अंदर 500 क्यूसेक के करीब पानी जो गंदा पानी होता है, जिसकी हमें मात्रा पता नहीं लग पाती अधिक पानी साफ होने की वजह से। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि 500 क्यूसेक पानी के अंदर भी आधे से ज्यादा पानी है जो गंदा है। इस बात का प्रमाण है कि हमेशा लगातार उन फैक्ट्रियों से गंदा पानी राजस्थान की ओर आ रहा है और राजस्थान के करीबन दो जिले इस पानी से प्रभावित होते हैं। उधर राजस्थान केनाल के अंदर करीबन 6-7 जिले प्रभावित होते हैं। पूरा का पूरा गंदा पानी पंजाब के उन
नालों बुढ़ा नाला के माध्यम से उन फैक्ट्रियों का पानी है जो राजस्थान के अंदर आ रहा है, निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, सरकार को इसको और ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एनजीटी कोर्ट ने लगातार नहरों पर बैठे तमाम उन लोगों को हटा दिया कि वो नहर के अंदर गंदगी करते हैं, लेकिन एनजी कोर्ट का एक बार भी ध्यान सतलज के किनारे उन फैक्ट्रियों की ओर नहीं गया है जो इस पानी के अंदर सबसे बड़े जहर का काम कर रहे हैं।